शिवसेना ने केंद्र सरकार के रवैये को लेकर उठाए सवाल, संजय राउत ने दी धमकी भरी नसीहत, बोले लोकतंत्र में चंचल होता है बहुमत, कल का नहीं है भरोसा। शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर स्नेहल अंबेकर का प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार, हिटलर से की मोदी की तुलना। चिक्की घोटाले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने अदालत को दी जानकारी, घटिया स्तर के चिक्की की रोकी गई सप्लाई, 5 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र अवाड़ के कार्यक्रम में चली कुर्सियां, शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं पर हमले की कोशिश का आरोप। जितेंद्र अवाड़ बाबा साहेब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिए जाने का विरोध कर रहे थे, जिस पर शिव प्रतिष्ठान संस्था के कर्मचारी भड़क उठे। जितेंद्र अवाड़ की गाड़ी पर भी पथराव किया गया, इस मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए हैं, शिव प्रतिष्ठान के 5 कार्यकर्ता हिरासत में। किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर अमिताभ बच्चन ने दी सफाई, बयान जारी कर कहा, न दूरदर्शन के साथ किया करार और न ही विज्ञापन के बदले दिए पैसे। मुंबई के करीब विरार में 15 साल की लड़की को मनचले ने चाकू से किया घायल, पीड़ित ने किया था छेड़छाड़ का विरोध। महाराष्ट्र के भुसावल में 2 युवकों ने गोली मारकर की सेना के जवान की हत्या, सोने की चेन को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। कल्याण में एक पति से तंग आकर महिला पुलिस कांस्टेबल ने जहर पीकर की आत्महत्या, आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने की मां बेटी की पिटाई, तमाशबीन बनी रही, देखती रही पुलिस। कल्याण के बीजेपी नेता महेश पाटिल की हत्या के आरोप में बिहार से एक गिरफ्तारी, आरोपी के तार माओवादियों से जुड़े। आरोपी चांद मिया पर पाटिल की हत्या के लिए सुपारी लेने का आरोप, हत्या के लिए माओवादी नेताओं से लिए हथियार और लड़के। मुंबई के बियर बार में छापेमारी, तहखाने से छुड़ाई गई 20 लड़कियां, 13 ग्राहक और 10 कर्मचारी गिरफ्तार। पुलिस को बियर बार के अंदर एक तहखाना मिला, बार मालिक ने कई लड़कियों को छुपा कर रखा था। महाराष्ट्र में साल के 6 महीनों के भीतर ही करीब 1300 किसानों ने की आत्महत्याएं, जबकि 2014 में करीब 2000 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस साल भी अब तक सबसे ज्यादा मौतें 671 विदर्भ में हुई, जहां से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सुचारू हुआ यातायात, भूस्खलन में हुई थी 3 लोगों की मौत। एनसीआरबी के मुताबिक मुंबई में एंटी ड्रिंक ड्राइव के चलते सड़क हादसों में आई कमी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा के भक्तों का चढ़ावा, गुरुस्थान पर चढ़ाई सोने की परत। नरीमन पॉइंट से कांदिवली तक बनने वाली कोस्टल रोड में सीआरजेड लाइन पुरानी ही रहेगी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से इसी शर्त पर बीएमसी को मिली मंजूरी। 5 सालों के न्यूनतम स्तर पर सोना 25,000 से नीचे हुआ। रुपए में फिर गिरावट, 9 पैसा गिरकर डॉलर के मुकाबले 63.48 रुपए हुआ पैसा। गोवा में 8वें मराठी फिल्म उत्सव का आयोजन, 2 दिनों में हुई 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग।